गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर मनु। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर हेयर स्पा। और मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर ओनली गर्ल्स, बॉयज ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन डू हेयर स्पा एट होम ओनली। ठीक है, यू नो कि पार्लर में चार्जेस इसके बहुत हाई होते हैं सिर्फ एक बार के। यस, दे आर गिवन सर्विसेज तो दे आर चार्जिंग अकॉर्डिंग टू दैट, बट या वी कैन डू इट एट होम। तो इसलिए वो भी मिनिमल प्राइस में, और अपने ये है कि अपने इफर्ट्स लगते हैं बट हाँ आपको रिजल्ट सेम मिलता है। अगर आप सेम जो डिफाइंड प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं देन ओनली। आप ये अगर प्रोसेस आप कंप्लीट यूज नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मेन प्रोडक्ट जो हमें स्पा के लिए चाहिए, जो आपने पार्लर में यूज़ करते हुए भी देखा होगा उनको। तो वही एक लॉरियल का स्पा आता है, वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। ये प्रोडक्ट्स अगेन आई एम सेइंग कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो है लॉरियल का हेयर स्पा। ये है डीप नरिशिंग क्रीम बाथ, ठीक है, विद वाटर लिली फॉर ड्राई हेयर्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, फॉर ड्राई हेयर्स आते हैं, फॉर फ्रीजी हेयर्स आते हैं, फॉर डैमेज हेयर, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंडीशन आप सर्च कर सकते हैं एंड आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ में जो है, मैं पहले भी ये सोचती थी कि ये सिर्फ अकेला आता है, बट नहीं, इसके साथ में एड ऑन में जो है आप ये ले सकते हो। इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। तो इसमें जो है ये ऐसी ऐसी बॉटल्स आती है, आपको दिख रही है, बहुत छोटी छोटी ऐसे बॉटल्स आती है। तो ये मैं दो वेरिएंट लेके आई हूँ बिकॉज मुझे एंड हस्बैंड दोनों को अप्लाई करना है। तो इसके अंदर जो है, वन इज़ फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प, मतलब हाइड्रेटिंग कॉन्सेंट्रेट इसका शेड है। प्लस जो है एक है प्योरीफाइंग कंसनट्रेट, एक है प्योरीफाइंग कॉन्सेंट्रेट, ये है एंटी डेंड्रफ। ठीक है, तो आप अपनी जो भी हेयर्स की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इट्स एडवाइसेबल यू कैन से कि जो है आप मंथ में एक बार स्पा जरूर लें। ठीक है, आइदर घर पे करो या फिर जो है आप पार्लर में जाके करवा सकते हो। तो इट्स मैंडेटरी आई से, अगर आपको अपने हेयर्स को अच्छा रखना है, वॉल्यूमाइज रखना है, उनकी कंडीशन अच्छी रखनी है, तो यस यू कैन डू इट। इवन अगर आप बात करो जेंट्स एंड लेडीज़ की, जेंट्स के बाल सॉफ्ट होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, तो उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट देन ऑल्सो उनको सही कंडीशन में रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मनीष ऑलमोस्ट आई थिंक वन मंथली या वन एंड हाफ मंथ में ऐसे कुछ वो भी करवा लेते हैं। प्लस मेरा भी होता है कि हाँ, जब चांस मिलता है वन मंथ में, वन एंड हाफ मंथ में हो ही जाता है। तो अब तो हमने शुरू किया है कि दोनों करते हैं तो क्यों इतना खर्चा बढ़ाना है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन हमने एक्चुअली लिया है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया इसका इंट्रोडक्शन, तो चलिए इसका अप्लाई करते हैं, उसका डेमो देखते हैं। ओके, तो अब हम बना लेते हैं इसका मिक्सचर, देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो इसके लिए मैं जो है इसमें, अभी हम मनीष का स्पा करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं उनकी हेयर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है मैं इसमें से प्रोडक्ट ले लूँगी। उसके बाद हम इसमें क्या क्या मिलाते हैं देन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। मैंने जो है क्वांटिटी ले ली है, दो स्कूप लिए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएंट हैं हमारे पास में। हम अगर एक बार यूज़ करते हैं तो हम इसमें से हाफ ऑफ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक बार में पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो है ये हाफ और ये हाफ दोनों मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है रिजल्ट अच्छा हो। वन इज़ फॉर एंटी डैंड्रफ एंड वन इज़ फॉर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों आप मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है इसमें ये दोनों मिक्स कर रही हूँ, ये हाफ मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, इसका भी मैं सेकंड का हाफ मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैंने लिया एक विटामिन ई का कैप्सूल्स, ये मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर योर हेयर्स, स्किन एज वेल। लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, ये एक हेयर सीरम है। आपके पास कोई भी हेयर सीरम हो, लॉरियल का हो, ये मेरे पास स्ट्रिक्स का है, अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का हो आप प्रेफर कर सकते हो। तो मैं इसमें जो है ये भी आपको हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मिलाना है। ठीक है, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही फाइनली इनको मिक्स कर देते हैं।
चलिए अभी इसका डेमो देख लेते हैं। मिक्सचर ऑलरेडी रेडी हो गया है, इनके बाल जो है वॉश्ड है। तो सबसे पहली बात कि आपके हेयर जो है अच्छे से क्लीनली वॉश होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज कि ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम अच्छे से मसाज कर लेते हैं इनके हेयर्स में लगा के, इवन इन द रूट्स बहुत टाइम तक इसको मसाज करना है। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ से ये अप्लाई करूंगी इसको। आपको होल्ड करना पड़ेगा। इनकी एक्चुअली हेयर लेंथ उतनी नहीं है तो मुझे मतलब उतनी मेहनत नहीं लगेगी, बट हाँ जब लेडीज का करते हैं तो फिर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो आपकी जो लेयर बनानी पड़ती है, बाकी मसाज आपको सेम प्रोसेस ही उसमें अप्लाई करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको भी। इवन आई शो यू अ डेमो, ऐसा शॉर्ट डेमो जब मैं अपने अप्लाई करूंगी। तो रहे आप चाहे गर्ल्स के कर रहे हो चाहे बॉयज के, स्कल्प में बहुत अच्छे से जाना चाहिए, मतलब जड़ों में अच्छे से जो है ये क्रीम चली जानी चाहिए। प्लस आपके सारे हेयर्स जो रूट से लेके नीचे तक हेयर्स होते हैं उनमें सब कवर करना चाहिए, एक एक हेयर उस स्पा क्रीम को कवर करना चाहिए। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी जो मेरे बॉयज सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मेल सब्सक्राइबर्स हैं, दे वर सेइंग कि हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाओ, हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाओ। देन वी डिस्कस्ड इट और ये एक हेस्पा की वीडियो आप कंसीडर कर सकते हो अपने लिए भी। प्लस जो है एक वीडियो मनीष बनाने वाले हैं उसको भी हम जल्दी रिवील करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस, ठीक है। तो वो एक नहीं बोलूँगी, दैट मे बी मल्टीपल, बट हाँ अभी के लिए आई कैन रिवील ऑल द थिंग्स। तो चलो वो आप रेफर कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट 20-30 मिनट मसाज करना है एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। इनके हेयर्स जो है अच्छे से जो है कवर कर लिया है मास्क ने। तो अब जो है सेकंड स्टेप इज स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए जो है, स्टीमिंग के लिए भी मैं आपको एक घर वाला ही तरीका बताऊंगी। मार्केट में बहुत सारे स्टीमर्स हैं तो आप वो यूज़ ना करते हो इफ़ यू वांट कि आप कॉस्ट बजट फ्रेंडली काम करो। तो उसके लिए जो है हम एक तरीका अपनाएंगे कि आप जो है गर्म पानी में अपने पास जो एक रुएं वाला टाल होता है उस टाल को लेके, जो मोटा वाला टाल होता है उसको लेके आप गर्म पानी में डालो, एकदम गर्म पानी में, एंड देन उस टाल को निचोड़ लो एंड देन यू कैन पुट इट ऑन योर हेड कि जो है आपके हेयर्स को अच्छे से कवर करे। तो चलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलमोस्ट डन, तो सेकेंड स्टेप हम करते हैं। चलो फर्स्ट स्टेप इज डन, सेकेंड इज स्टीमिंग, तो वो हम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने टाल को अच्छे से गर्म पानी में कर लिया है और अब पूरे हेयर्स को कवर करना है हमें। अब जो सेकेंड प्रोसेस है स्टीमिंग का वो हम क्यों करते हैं। स्टीमिंग के लिए जो आपने मसाज करी है ना फर्स्ट स्टेप में, जो स्पा क्रीम और इन सारे प्रोडक्ट्स की मसाज करी है, तो स्टीम करने से आपके पोर्स जो हैं, रूट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो क्रीम जो है अंदर चली जाएगी। तो दैट इज़ द बेसिक सेंस क्यों स्टीम करते हैं। तो उसके लिए जो है ये आपको टाल जब तक ही गर्म रहता है आप तब तक रखो एंड बेसिक टाइम इज 20-30 मिनट आपको रखना है। अगर आप स्टीमर से भी कर रहे हो या फिर टाल से भी कर रहे हो, अगर ठंडा हो जाता है तो यू कैन डू इट अगेन, ठीक है। अभी जो है स्टीमिंग को हो गए हैं अराउंड 30 मिनट्स हो गए, हाँ तो आपको ये 20-30 मिनट्स का टाइम लेके चलना है स्टीमिंग के लिए, तो इट्स सफिशियंट। तो अभी जो है नेक्स्ट स्टेप इज बस आप इसको जाके हेयर वॉश कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो हेयर वॉश है वो विदाउट शैम्पू करना है, शैम्पू यूज नहीं करना है। तो एज ई वेंट फॉर हेयर वॉश, तो अभी जो है जो मिक्सचर बनाया था
उसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सचर और ऐड ऑन करके, बिकॉज मुझे भी करना है, तो अभी जो है मैं मेरे ना बालों का टेक्सचर देख सकते हो ना, थोड़ा सा रफ हो गया है, नीचे से स्प्लिटन्स भी हैं। जब मैं बालों में फिंगर चलाती हूँ तो आई फील समथिंग है कुछ रूट्स में ना, तो वो होता है कि कभी कभी आपका डैंड्रफ होता है, लेकिन वो गिरने वाला डैंड्रफ नहीं होता, वो रूट्स में ही कुछ ऐसा गंदगी टाइप होता है, वो हेयर वॉश से भी नहीं निकलता है कभी कभी समटाइम्स। तो इसलिए आपको जो है स्पा की जरूरत होती ही है, ताकि आपकी रूट्स जो है अच्छे से मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, प्लस आपके बालों का टेक्सचर जो है सॉफ्ट रहे, शाइनी रहे। तो जो है अपने बालों का थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगी, बिकॉज जो है मैंने मनीष का पूरा दिखा चुकी हूँ मैं आपको, तो सेम प्रोसेस है, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इसके लिए चलो इस क्रीम को जो है अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके बाल बड़े हैं लाइक मी, तो आप जो है इस तरीके से अपने हाथ में इस तरह से क्रीम लेके आपको जो है रूट से स्टार्ट करना है, एंड डोंट थिंक कि आपके बालों में लग जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट कलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बालों को बहुत अच्छे से कवर करना है, तो इसी तरीके से जो है आपको लगाना है, प्लस आपको जो है किसी की हेल्प ले लेनी है, बिकॉज इसमें यू विल नीड हेल्पफुल मसाजिंग ऑल्सो, अप्लाइंग ऑल्सो, तो इस चीज़ के लिए। हेड वॉश करने के बाद में जो है इसके रिजल्ट आर क्वाइट लाइक एज पार्लर, बिकॉज ना बाल बड़े स्मूथ हो जाते हैं आपके, सिल्की से हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बालों को सुखाया है, मतलब वो भी नेचुरली, कोई ड्रायर यूज़ नहीं किया है। देन ऑल्सो इसका टेक्स्चर जो है ना मुझे बड़ा सही लग रहा है। मैं मनीष के बाल एक्चुअली नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज उनके बाल में आपको टेक्स्चर अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो अभी इनके बाल भी ऑलमोस्ट ऐसा, मतलब इनसे मैंने पूछा था कैसा रिजल्ट है, तो आप अभी बता दो अच्छा था, बिकॉज ना बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं, थोड़ा सिल्की वाला आ जाता है विदाउट यूजिंग कंडीशनर, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार आपके बाल बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं है, और अच्छा रिजल्ट आता है जो हमें चाहिए एक्चुअली। तो हाँ, वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोसेस, कि घर पे आप कर सकते हो इजीली। तो चलो इस वीडियो की क्लोजिंग करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।